हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द कोलाइडल सब्सटेंसेस। देखिए, इंट्रोडक्शन तो हम लास्ट वीडियो में ले चुके हैं कि कोलाइडल सब्सटेंस क्या होते हैं। कोलाइडल सब्सटेंस या कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल होता है उनका साइज 10^-7 से 10^-5 सेंटीमीटर के बीच में होता है, ठीक है। और नैनोमीटर में हम क्या बोल सकते हैं, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशंस आर दोज हेट्रोजीनियस। हाँ, इंपॉर्टेंट बात, कोलाइडल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो देखने में तो होमोजेनियस लगते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, मिल्क, ब्लड, ठीक है, ये देखने में तो होमोजेनियस लगते हैं बट एक्चुअली में हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो दे आर द हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इज इन बिटवीन 10^-7 टू 10^-5 सेंटीमीटर, या आप नैनोमीटर में आज याद रख सकते हो, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। और दे आर जनरली कॉल्ड सॉल्स, ठीक है, इनको हम जनरली सॉल्स बोलते हैं। अब जैसे कोई भी अगर सॉल्यूशन, कोई भी अगर कोलाइडल सॉल्यूशन वाटर में प्रिपेयर है तो उसको आप हाइड्रोसॉल बोल सकते हो, अगर अल्कोहल में प्रिपेयर है तो उसको अल्कोसॉल बोल सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मिल्क, ब्लड, शैम्पू, शेविंग क्रीम, नॉर्मल क्रीम या पेंट, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है कोलॉइड्स की, एक बार एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है, कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। अभी बताया आपको कि कोलाइड्स हेट्रोजीनियस होते हैं बट देखने में होमोजीनियस लगते हैं, ठीक है। दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर बट दे अपीयर्स टू बी होमोजीनियस इन नेचर, ठीक है। तो आप देख सकते हो, जैसे आप ब्लड को देखो या मिल्क को देखो, ठीक है, तो आप मिल्क में देखो आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा कि अलग अलग है, ठीक है, सबको आप एक ही जैसा दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब वो होमोजीनियस है। सेकेंड देखिए, कोलॉइड्स आर टू फेस सिस्टम, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वो पॉइंट है जो बाकी सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन से अलग है। सो कोलाइड्स आर टू फेस सिस्टम, जैसे नॉर्मल होता है सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट, बट यहाँ पर जो सॉलिड और सॉल्वेंट है उसको अलग नाम से हम जानते हैं। क्या होता है उनको, क्या बोलते हैं उनको, हम बोलते हैं डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो एक्चुअली में सॉल्वेंट होता है, ठीक है। जैसे ब्लड की बात करें या मिल्क की बात करें, आप मिल्क की बात कर लीजिए, जो वाटर पार्ट होगा, जो वाटर पार्ट होगा वो एक्चुअली में डिस्पर्जन मीडियम होगा, और यहाँ पर जो भी आपका क्रीम पार्ट होगा, क्रीम पार्ट वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स फेज हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। जैसे ब्लड में जो आपका लिक्विड पार्ट है, मतलब वाटर, प्लाज्मा, ये सब जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा, और जो ब्लड सेल्स हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम डिस्पर्स फेज बोलेंगे, समझ गए। अब देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि सॉलिड जो होता है वो डिस्पर्स फेज की तरह ट्रीट होता है और सॉल्वेंट डिस्पर्जन मीडियम की तरह ट्रीट होता है, लेकिन हम कभी भी यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्ड देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोलोइड्स कैन नॉट पास थ्रू, सॉरी, कोलोइड्स कैन ऑल्सो पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अगर आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लाओगे तो ये भी पास हो जाएंगे, जैसे नॉर्मल जो लैब में फिल्टर पेपर होता है आप उससे अगर कोलोइडल सॉल्यूशन को पास करोगे वो पास हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर, बट दे कांट पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर में जो होल्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं वो बहुत माइन्यूट होते हैं, जिसकी वजह से जो कोलाइडल के जो कोलाइडल सब्सटेंस के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बिगर इन साइज होते हैं सॉल्यूट ट्रू सॉल्यूशन की कंपैरिजन में, तो ये इसको डिफ्यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएंगे लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएंगे। फोर्थ देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर कंपोनेंट्स, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देयर कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है, इस मेथड को भी हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, जब हमारे सेपरेशन टेक्निक पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम, जैसे जो आपका मिल्क है, मिल्क से हम क्रीम पार्ट को अलग कर सकते हैं या ब्लड से ब्लड कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। फिफ्थ देखिए, दे आर ऑल्सो वेरी स्टेबल जस्ट लाइक ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन की तरह ये भी स्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने अभी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया तो वो 2 घंटे बाद या 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद वो इसका जो सॉलिड पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वो अगर एक बार बन गए तो वो काफ़ी टाइम तक स्टेबल रहते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए, सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड शो जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन विच इज कॉल्ड द ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लीजिए कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, अब इसको अगर अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, जो उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स है जिसे हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज,
तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, लगातार मोशन करते रहते हैं, जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन, कोई यहाँ जा रहा होगा, कोई वहाँ जा रहा होगा, कोई वहाँ जा रहा होगा, ठीक है, लगातार ही मोशन चल रहा होगा। इस मोशन को पहली बार रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और इसी के नाम पर इसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मोमेंट, ठीक है, ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मोमेंट, ठीक है। तो जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन को जो कोलाइडल पार्टिकल्स में होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। देखिए सेवन्थ प्रॉपर्टी क्या लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कॉगुलेशन क्या होता है, द कोलाइड्स शो प्रॉपर्टी ऑफ कॉगुलेशन। अब कॉगुलेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये, मान लीजिए कोई कोलाइडल सब्सटेंस आपके पास है, सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, अब जिनको इलेक्ट्रोलाइट नहीं पता है मैं बता दूं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको सॉल्यूशन में डालने पर, मतलब वाटर में डालने पर, ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे NaCl, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे इसको हम वाटर में डालेंगे, एक्वस फॉर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर एसिड आपके पास, तो HCl फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको आप एक्वस फॉर्म में लेंगे मतलब वाटर में लेंगे तो क्या होगा, ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरीके से अगर आप NaOH को ले लें तो Na+ OH- ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से कई सारे इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डालने पर वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हो तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों होगा, और जो इसके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं उनमें भी कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल होगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइट के जो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होगा इनमें से कोई एक आयन उस आयन से जो डिस्पर्स फेज के पास है उससे कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड बना लेगा, ठीक है, मतलब एक हैवी पार्टिकल बना लेगा और जो सेटल डाउन हो जाएगा इसके बॉटम में, मतलब इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको अगर एकदम शॉर्ट में समझे तो क्या है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट किसी भी कोलाइडल सब्सटेंस में डालते हैं, सॉल्यूशन में डालते हैं, और वहां पर हमें प्रेसिपिटेशन मिल जाए, प्रेसिपिटेट हो जाए वो सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, तो उसे ही हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यही लिखा है मैंने, तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो भी कॉगुलेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो देखिए क्या है, इफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर एडेड टू द कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मैंने अभी बता दिया वो क्या होता है, देन देयर कोलाइडल नेचर गेट डिस्ट्रॉयड। कोलाइडल नेचर तब है ना जब वो डिस्पर्स फेज इसमें स्टेबल रहे, लेकिन वो डिस्पर्स फेज तो सेटल डाउन हो जाएंगे, अभी देखिए क्या होगा, तो उनका कोलाइडल नेचर गेट्स डिस्ट्रॉयड एंड द डिस्पर्स पार्टिकल्स, ठीक है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स की बात हो रही है, डिस्पर्स पार्टिकल एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है ज्वाइन हो जाना, ठीक है, दो तीन यूनिट का आपस में कंबाइन हो जाना, ठीक है, कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो, एग्रीगेट टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, दैट गेट सेटल डाउन एट द बॉटम, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कॉगुलेशन ऑफ द सॉल्यूशन या कॉगुलेशन ऑफ द कोलाइड्स, ओके। अब हम देखते हैं कोलाइडल सब्सटेंसेस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो आप जानते हैं लास्ट टाइम तो भी आपको बताया था, लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो कोलाइडल सब्सटेंस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, टिंडल इफेक्ट मतलब यहाँ आप देखिए, अगर मेरे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मान लीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर कोई भी बीम ऑफ लाइट, मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइट का सोर्स है और यहाँ पर लाइट ये पास हो रही है, तो क्या होगा, तो अगर यहाँ पर जो कोलाइडल सब्सटेंस में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं, इन लाइट को क्या करें, स्कैटर करें, इन लाइट को क्या करें, स्कैटर करें, तो हमें लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा, हमें लाइट दिखाई पड़ेगी, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं इसलिए वो लाइट को इतना स्कैटर नहीं करते, लेकिन जो कोलाइडल सब्सटेंस होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, वहां पर जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होते हैं कंपेरेटिवली बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो इस स्कैटरिंग को, जिसकी वजह से स्कैटरिंग हो पाती है, और स्कैटरिंग हो पाती है तो हमें लाइट का पाथ, देखिए ट्रू सॉल्यूशन में तो ऐसा होगा बिल्कुल, हमें कोई भी लाइट का पाथ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होंगे वो लाइट को स्कैटर करेंगे, जिसकी वजह से हमें लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा, दिखाई पड़ेगा कि लाइट यहाँ से जा रही है, ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन देन इट्स पाथ बिकम विजिबल
ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ और फैक्ट पढ़ेंगे अबाउट द कोलाइडल सब्सटेंसेस।